आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको चाणक्य नीति की एक बात बताएंगे कि शादी करने से पहले स्त्री को कैसे पहचाने। आचार्य चाणक्य जो एक महान पंडित के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनकी कही हुई बातें पे प्रश्न उठाना बड़ा मुश्किल है। चाणक्य ने अपने सारे जीवन भर में जो अनुभव किया उसके बारे में उन्होंने चाणक्य नीति में सब लिख डाला। आज चाणक्य द्वारा बताए गए कुछ ऐसे स्त्रियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिनसे पुरुषों को शादी कभी नहीं करनी चाहिए। कभी किसी स्त्री की सुंदरता देख उसके लिए पागल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, स्त्रियों की सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। यदि कोई पुरुष सिर्फ सुंदरता के आधार पर ही किसी स्त्री से शादी कर लेता है तो हो सकता है कि उसे बाद में जाकर काफी पछताना पड़े। यह जरूरी नहीं है कि जो दिखने में सुंदर हो उसका मन भी सुंदर ही हो, क्योंकि सुंदर काया होने के बावजूद हो सकता है कि उसका मन काला हो। चाणक्य के अनुसार जहां अच्छे संस्कारों वाली महिला किसी भी घर को स्वर्ग बनाने का दम रखती है, तो वहीं बुरे संस्कारों वाली स्त्री अपने पूरे परिवार में तनाव पैदा कर देती है। तो आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप ऐसी किसी स्त्री से शादी करने से बचें। घर में अगर कलह हो तो आपकी निजी जिंदगी भला कैसे खुशहाल हो सकती है। वहीं कुछ महिलाएं आए दिन शादी के बाद अपने रिश्तों को तोड़ने की बात करती रहती हैं। तो जान लें कि ऐसी स्त्री आपके और आपके परिवार के बारे में हमेशा नकारात्मक विचार ही रखती है। वह ना सिर्फ आपका दिल दुखाती है बल्कि परिवार को भी हानि पहुंचाने की तरकीब सोचती है। भला इसी में है कि आप ऐसी स्त्री से बच कर रहें। कुछ महिलाएं पैसों के लिए ही जीती हैं। पैसे को मोल उन्हें नहीं होगा और वो खुले हाथ अपने पति के मेहनत के पैसे ऐसे ही उड़ाती नजर आएगी। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्यादातर महिलाएं ज्यादा से ज्यादा धन को प्राप्त करने की लालसा रखती हैं और साथ ही धन और सोने के आभूषण के प्रति उनका लगाव ज्यादा रहता है। बता दें कि धन की लालच में आकर कुछ स्त्रियां सही गलत का भेद तक भूल जाती हैं और घर को नरक बना देती हैं। ये स्त्रियों की बात हुई, पर सेम चीज लड़कों पे भी लागू होता है कि लड़के भी लड़कियां भी जब लड़के ढूंढें तो उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।